अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डाइटिशियन कंवल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसा डाइट प्लान जिससे गारंटीड आप एक हफ्ते में 5 kg तक वज़न कम कर सकते हैं और हेल्दी तरीके से। ये एक ऐसा डाइट प्लान है जिसके साथ आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर सकेंगे। और हेल्दी तरीके से कैसे वेट लॉस कर सकेंगे, मैं एक चीज़ जो आपको क्लियर करती चलूँ, इसमें आपका जो होगा 1 to 2 kg जो होगा वो आपका फैट लॉस होगा और बाकी का जो 4 kg होगा या 3 kg या 5 kg भी हो सकता है वो आपका होगा वाटर वेट लॉस। क्योंकि एज ए डाइटिशियन मैं बताती चलूँ कि आप आइडियली एक वीक में 1 kg या 1.5 kg जो है वो फैट लॉस कर सकते हो। इस डाइट प्लान को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, ये एक वेल बैलेंस्ड डाइट प्लान है और तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इस डाइट प्लान से आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई किया जाएगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी फैट लॉस भी करेगी और वाटर वेट लॉस भी करेगी। वाटर वेट लॉस की बात करें तो जब आप पानी ज़्यादा नहीं पीते आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है या आप एक्सरसाइज नहीं करते या जो बॉडी में सोडियम इंटेक ज़्यादा होती है तो आपकी बॉडी को वाटर और सोडियम की रेशो को है वो बैलेंस रखना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी जो बाकी फंक्शंस हैं वो सही तरह कर सके। चलिए हम डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। तो डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है और पानी कैसे पीना है, आपने 1 लीटर की बॉटल लेनी है, उसके अंदर आपने 2 to 3 स्लाइस क्यूकम्बर्स के डालने हैं, हाफ लीमू डालना है, आप स्लाइस करके एज इट इज़ आप डाल सकते हो और 2 to 3 मिंट लीव्स आपने उसके अंदर डालने हैं और इनको स्क्वीज़ या कुछ नहीं करना, आपने एज इट इज़ डालना है। तो आपका ये 1 लीटर पानी तैयार हो जाएगा। ऐसा आपने 3 जो है बॉटल्स पूरा दिन में पीनी है, इससे कम नहीं पीना। तो डाइट प्लान में सबसे पहले आपने अपनी सुबह का आगाज़ करना है बॉयल्ड वाटर से, और बॉयल्ड वाटर भी वैसे जैसे नहीं आप चाय पीते हो ऐसा ऐसा सिप करके, उतना गर्म पानी होना चाहिए। तो उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आपने एक स्मॉल बाउल ओट मील का लेना है और इसके साथ आपने स्किम मिल्क और नट्स एंड सीड्स इस्तेमाल करने हैं, और या इसकी जगह आप एक सर्विंग फ्रेश फ्रूट्स की इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद आती है मिड मॉर्निंग। मिड मॉर्निंग में आपने एक बाउल योगर्ट का लेना है विदाउट शुगर। लंच में आपने ग्रिल्ड या बेक्ड चिकन लेना है या फिश, इसके साथ आप फ्रेश सैलेड ले सकते हैं जिसके अंदर आप क्यूकम्बर, कैरेट, अनियन कुछ भी आप इसके साथ लें, लेकिन इसके ऊपर आपने विनीगर और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपने स्मॉल पोर्शन ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना है या एक छोटी होल व्हीट रोटी। आफ्टरनून स्नैक में आपने एक हैंडफुल जो है वो आलमंड और वॉलनट्स का लेना है और इसके साथ ग्रीन टी या हर्बल टी लेनी है। डिनर में आपने लेंटिल सूप लेना है या दाल, इसके साथ आप स्टीम्ड वेजिटेबल ले सकते हैं जिसके अंदर स्पिनच है, ब्रोकली है या ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। इसके साथ भी आपने एक स्मॉल पोर्शन जो है वो ब्राउन राइस का लेना है या एक होल ग्रेन रोटी लेनी है। इस डाइट प्लान को फॉलो करते हुए आपने पोर्शन साइज़ का ध्यान रखना है ताकि आप ओवर ईटिंग ना कर सकें, साथ में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना, जैसे मैंने आपको पानी पीने का बताया है बिल्कुल वैसे ही पीना है। इसके साथ आपने शुगरी और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है और साथ में इस डाइट प्लान को फॉलो करते हुए वॉक और एक्सरसाइज भी अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़।